गाइस, ये ओप्पो का अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 4 जो कि रिसेंटली चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था और इसी मंथ इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में, इसके स्पेक्स के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो यार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओप्पो की जो रेनो सीरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। बेसिकली जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स होते हैं, काफ़ी अच्छे कैमरे के साथ में आते हैं, काफ़ी अच्छी जूमिंग क्वालिटी के साथ में आते हैं। अभी जो स्मार्टफोन है रिसेंटली ओप्पो रेनो 3 प्रो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन उसके अंदर देखने को मिलते थे। हालांकि जो प्राइस थी वो लिटिल बिट हाई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वो इंडिया के अंदर हुआ था। अब इसका सक्सेसर ओप्पो रेनो 4 इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है, इनफैक्ट ये इसी मंथ लॉन्च होने वाला है। लॉन्च डेट के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में, देन इसकी बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है 6.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, जो कि ऑब्वियसली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, साथ ही एक पंच होल डिस्प्ले भी होने वाली है। उसी के साथ जो बैक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ग्लासी फिनिश देखने को मिलने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन आपको बैक में भी देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही कमाल की बात होने वाली है। साथ ही जो इसका डिज़ाइन है वो इस बार बिल्कुल अलग तरह का दिया गया है। कैमरा बम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर है, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा देखने में लगता है, बट इन हैंड फील जो है वो आने के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। काफ़ी अच्छी गेमिंग वगैरह आप इसमें कर सकते हैं और जिस प्राइस सेगमेंट पर स्मार्टफोन आने वाला है उस प्राइस सेगमेंट पर ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ओप्पो की जो रेनो सीरीज होती है वो कैमरे के लिए ही पॉपुलर है। तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि सोनी के IMX708 सेंसर के साथ में आने वाला है। और ये सेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सोनी का IMX686 से भी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी अच्छी रिजोल्यूशन वाली पिक्चर्स क्लिक करता है। तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है इसके 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे से। तो सेकेंडरी कैमरा वाइज का वो 13 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड वीडियोज या फिर फोटोज शूट कर सकते हैं। और जो थर्ड कैमरा होगा इसका वो 12 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप यहाँ पे पोर्ट्रेट पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, जिसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो काफ़ी सारी पिक्चर क्वालिटीज़ की सामने निकल कर आई है, तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटीज़ की होने वाली है। अब यार बात करें स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट को लेकर, तो स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh से ज़्यादा की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसको चार्ज करने के लिए 65 वाट का सुपर फास्ट वूक चार्जर इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर्स में आपके स्मार्टफोन की बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने वाला है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो यार ये सब बात रही इसके स्पेक्स के बारे में। अब बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, साथ ही वाईफाई 6 के साथ में स्मार्टफोन आने वाला है। उसी के साथ साथ ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 भी बेस्ड होने वाला है और ColorOS 7 का इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट, साथ ही जल्दी ColorOS 8 भी इसके अंदर आ जाएगा। अब यार बात करें स्मार्टफोन की प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो बात करें इसकी प्राइस के बारे में, हालांकि इसकी प्राइस को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि किस प्राइस पे स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी लीक्स आ रहे हैं उसको अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आपको 25,000 के अराउंड इंडिया में देखने को मिलने वाला है, 6GB 128GB वाला वेरियंट। हालांकि चाइना में 8GB वाला वेरियंट लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया के लिए वो 6GB वाला वेरियंट लॉन्च करेंगे। अब यार बात करें इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ये स्मार्टफोन इसी मंथ में इंडिया में देखने को मिलेगा और 20 से लेकर 24 जुलाई के बीच में आपको स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो यार आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।